नमस्कार जय जगन्नाथ। मैं सिला, मेरी यूट्यूब चैनल सिला किचन और लाइफ स्टाइल को आप सबको स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उड़ीसा का रजो का स्पेशल पिठा, पोड़ो पिठा का रेसिपी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। पोड़ो पिठा बनाने के लिए हमको ये सारा सामान चाहिए। ये इडली डोसा बनाने का चावल, ये और ये उड़द दाल है, ये गुड़, ये नारियल, इस टाइप से कटे हुए नारियल, ये नारियल और गुड़ का स्टफिंग है, और ये घी है, ये छोटी इलायची और काली मिर्ची का पाउडर, और ये तेज़पत्ता, ये नमक। तो हमको ये सारा सामान चाहिए। और मैं यहाँ पर 4 कप इडली डोसा का चावल लिया था, 4 कप, जिस कप में उसी कप में 2 कप पिठा को सॉफ्ट बनाने के लिए उसी कप में 2 कप ये उड़द डाल लिया था। और इन दोनों को मैं 2-3 घंटे से भिगा के रखी थी। अभी उसको हम मिक्सिंग जार में उसका एक पेस्ट बनाएंगे। पहले हम उड़द डाल का पेस्ट बनाएंगे, उसके बाद चावल का पेस्ट बनाएंगे। अभी मैं उड़द डाल का पेस्ट बना रही हूँ। पहले हम उड़द डाल का पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बन गया है उड़द डाल का। अभी हम इसको निकाल देंगे और उसके बाद हम चावल का पेस्ट बनाएंगे। उड़द डाल का पेस्ट बन गया है, अभी हम ये चावल का भी पेस्ट बनाएंगे। ये उड़द डाल का पेस्ट है और ये चावल का। अभी हम उड़द डाल को मिक्स करेंगे 10 मिनट या 15 मिनट, उसको हाथ या चम्मच ऐसे मिक्स करेंगे। ये मैं उड़द डाल का पेस्ट लिया हूँ और उसको 10-15 मिनट हाथ या चम्मच से फेंटेंगे। तो उसको ये फेंटने से ये जो केक बनेगा तो वो सॉफ्ट होगा, तो इसलिए हम उसको थोड़ा फेंटेंगे 10-15 मिनट। मैं यहाँ पर चम्मच यूज़ कर रही हूँ। 10 मिनट में उसको फेंट लिया हूँ, देखो वो इस टाइप से हो गया है। अभी हम उसमें चावल का पेस्ट डालेंगे। चावल का पेस्ट डालने के बाद हम फिर से उसको मिक्स करेंगे, 5 मिनट तक फेंटेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल के। स्वाद के अनुसार नमक डाल के मैं फिर से उसको 5 मिनट तक फेंट रही हूँ चम्मच से। अभी हो गया है 5 मिनट और मैं उसको 30 मिनट तक रेस्ट में रखूँगी, उसके बाद उसको बनाऊँगी। अभी उसको मैं 30 मिनट रख लेती हूँ, उसके बाद हम ये पोड़ो पिठा बनाएंगे। अभी 30 मिनट हो गए, अभी हम उसमें डालेंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स को। ये तेज़पत्ता और ये छोटी इलायची और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। गुड़ अपने हिसाब से डालेंगे, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। आपको जितना मीठा चाहिए आप उतना ही डालिए। अभी हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। उसमें थोड़ा सा हम ये नारियल और गुड़ का शॉपिंग देंगे और ये कटे हुए नारियल
और मिक्स कर लेंगे उसको। हम पहले से ही उसमें नमक डाले थे स्वाद के अनुसार, अभी हम नमक नहीं डालेंगे। यहाँ पर एक कढ़ाई लिया हूँ और इसके अंदर तेल भी लगा लिया हूँ कढ़ाई के अंदर। अभी ये केले के पत्ते के ऊपर भी तेल या घी, जो घी रखी थी, अगर आपके पास घी नहीं है या आपको घी पसंद नहीं है, आप तेल भी यूज़ कर सकते हो। इस केले के पत्ते के ऊपर अब हम वो जो पेस्ट बनाए थे उसको डालेंगे। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये नारियल का शक्कर देंगे और नारियल से उसको थोड़ा सा सजा देंगे। अभी मैं उसको सजा लिया हूँ नारियल से। अभी उसको कवर देखकर 45 मिनट तक उसको ऐसे ही कवर देकर रखेंगे और गैस को धीमी आंच में रखेंगे 45 मिनट तक। अभी 45 मिनट हो गया, अभी चेक करेंगे पिठा हुआ कि नहीं हुआ है। एक चाकू लेंगे और उसके बीच में से डालेंगे। देखो चाकू क्लीन आया है, इसका मतलब ये हो गया है। अभी गैस बंद करके उसको निकाल लेंगे। अभी मैं पिठा को निकाल दिया हूँ, को गरम हुए। ये देखिए मैं पिठा को निकाल दिया हूँ वो केले के पत्ते से, केले के पत्ते जो उसके नीचे से था उसको सारे निकाल दिया हूँ। ये देखो वो गरम पिठा और उसका गैस सही दिखा रहा है, कितना अच्छे तरीके से हो गया है। इस पिठा को बनाने के लिए चूल्हे से बनाते हैं और इसके ऊपर जले हुए कोयले देखकर बनाते हैं। उसके बैक साइड जिस तरह से जला हुआ है उसका आगे भी ये भी जला हुआ होता है, पर मैं गैस में बनाई हूँ कढ़ाई में तो इस टाइप से हो गया है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। फिर और एक वीडियो लेकर आऊँगी। अभी के लिए बाय बाय। आप सभी को मेरे तरफ से सिला किचन और लाइफस्टाइल की तरफ से आप सभी को हैप्पी रहो।